जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना टेक्निकल टिंकू सिंह एक और नई वीडियो में आप सब किसान भाइयों का, ट्रैक्टर लवर दोस्तों का और मॉडिफिकेशन के जो मेरे चाहने वाले हैं आप सब किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे मैसी फर्गूसन 241, एक बार ट्रैक्टर देखो। आपको हमने ट्रैक्टर पहले भी दिखाया था और अब भी दिखा रहे। इस जो किसान है ये किसान है आलम के, और इनका ट्रैक्टर आज कंप्लीट हो गया। इन्होंने सिर्फ इसमें ऊंचे पायदान करवाए, फ्लैट प्लेटफॉर्म बनवाया बस, और इसके अलावा इन्होंने मना कर दिया कि बाद में करवाओगे, अभी सिर्फ फ्लैट प्लेटफॉर्म बना दो। और ये उनकी डिमांड पे जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे ही करा। आप देख सकते हो जैसे हीट गार्ड लगा हुआ है, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई हमें इतना ही चाहिए छोटे साइज का, नहीं तो बड़ा भी लग जाता, जैसे मेरे वाले पे लगा हुआ है बड़ा। आप एक बार यू देखो पायदान में जो ये चढ़ने वाली है, जो सीढ़ी लगाई रविंदर भाई ने, इसमें टैफे का लोगो देखो कितना प्यारा है। और मैसी फर्गूसन पूरा, पूरे मैसी फर्गूसन की कटिंग करके सीएनसी पे, और कितने प्यारे ये पायदान लग रहे। यहाँ साइड में भी देख सकते हो डिजाइन। और अगर कलर की बात करूं पायदान पे तो देखो कलर देखो, और इंजन पे देखो कलर देखो। नया ट्रैक्टर है, काम की क्वालिटी का पता चल रहा कि भाई नए जो पायदान रविंद्र भाई ने बनाए उन पर कैसा पेंट हुआ, और जो कंपनी ने पेंट दिया वो कितना डल पड़ चुका। अब एक बार दूसरी साइड भी आ जा भाई, ये आप देखो ये पायदान है जो इन्होंने बनाए, पीछे तक दिखा भाई अच्छे से। एक नंबर की फिटिंग दी भाई ने, कोई वेल्डिंग नहीं करा, पूरा पायदान जो है वो इसका नट बोल्ट पे है और फोल्डिंग पायदान है। मात्र 15 मिनट में पूरा ट्रैक्टर का पायदान खोल के साइड में रख दो और अपना जो काम करवाना कर लो। भाई जो चढ़ने वाले हैं ये ज्यादा मन में हो रहे, ये कटिंग इतनी प्यारी हो रही इस पे मैसी फर्गूसन की, जो बैजिंग है बहुत प्यारा ट्रैक्टर लग रहा। अब बाकी चीज बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले एक बार मेरे ट्रैक्टर पे आओ। जैसा ये अपना शेर का पट्टा मैसी खड़ा भाई, टेक्निकल टिंकू सिंह का ट्रैक्टर है तो डिफरेंट तो होगा ही। बाकी आप कमेंट करके बताना आप कैसा लग रहा ऊंचे पायदान के साथ में। भाई जी एक दिक्कत होगी यहाँ मेरे ट्रैक्टर में, ये जो फुट पैंडल हैं, ये जैसा ब्रेक वाले हो गए, क्लच का हो गया, ये जैसे कंपनी ने दिए थे ना नीचे से, और उसी में ही वेल्डिंग से जोड़कर ऊपर ले दिए रविंदर भाई ने। अब जैसे मैं इसे चला रहा तो भाई बड़ी दिक्कत हो रही, ब्रेक पे और क्लच पे खड़ा होना पड़ रहा, तो मजा सा नहीं आया। तो अब नई क्या टेक्निक लेके आया यार, दोबारा वर्कशॉप पे क्यों आया मेरा ट्रैक्टर, वो पूरी बात डिटेल में करेंगे। आओ उस ट्रैक्टर पे चलते हैं वापस। भैया नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। जैसे ये अपना मैसी 41 है, हाँ जी, मेरा भी मैसी करा था, हाँ जी, और डेमो मॉडल था। इधर आ जा भाई सामने, मेरा ट्रैक्टर था डेमो मॉडल जी, मतलब भाई शुरुआत करी थी मैसी से, तो वो टेक्निकल टिंकू सिंह का ट्रैक्टर था जी। पायदान तो बहुत बढ़िया लगे, पर आपने भी बोल दिया था चलाने के बाद और हमने भी महसूस करा, जो ब्रेक के और क्लच के जो पैंडल है उनमें मजा नहीं आया भाई जी। हाँ अच्छे नहीं है। हाँ तो आपने बताया था कि भाई पुश पैंडल के बिना काम नहीं चलेगा, अब इस ट्रैक्टर में आपने पुश पैंडल लगा दिए। देखो किसान भाइयों इसमें रविंदर भाई ने पुश पैंडल लगा दिए भाई, सब ये सच्ची दिखा दिए कंपनी, इसमें अंतर है हर चीज में। ये देखो तो कंपनी लेवल का काम कर दिया। हाँ जी। थोड़ा पीछे जा भाई, पूरा दिखना चाहिए। तो भाई जी ये बताओ जैसा कंपनी लेवल का काम करा, अब कैसा चल रहा ट्रैक्टर? ज्यादा बस ज्यादा ही मजा आवे चलने में। अच्छा। क्लच भी बहुत हल्का दबे। हाँ। प्यार से दबे। हाँ। सीट पते जहाँ आप वाला है, जब क्लच या ब्रेक दबाओगे सीट पर चुतड़ उठ जा। हाँ। फिर बैलेंस बिगड़ जा मन उसका। हाँ। इस पे अपना बैठे बैठे आराम से दबा लो, वही के वही काम हो रहा। तो भाई जी ये जो कंपनी का जो अब जो मतलब जो मैसी ट्रैक्टर है जो अब आ रहे हैं लेटेस्ट मॉडल, हाँ जी हाँ जी, उनमें तो पुश पैंडल दे दिए कंपनी ने, पैंडल दे दिया। लेकिन जो कब तक के मॉडल है जिनमें पुश पैंडल नहीं है, 21-22 तक दिया तो उन्होंने पहले एक बार 2012-13 में भी दिया एक ट्रैक्टर में। अच्छा। 52-45 कौन सा उसमें। हाँ। पर कभी कभी दे दिया नहीं, अब दे लगे। अच्छा। हाँ तो मोस्टली जो नीचे वाले हैं सब परेशान है। हाँ जो मैसी के किसान है वो प्रॉब्लम है उन्हें ना, प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अच्छा के रीजन रहा जो ये करवाना पड़ा, कुछ बता रहे थे कि गंडू की ट्रॉली ले जानी पड़े तो खड़ा होना पड़े। देखो जैसे आप वाला ट्रैक्टर है। हाँ। मैं वो चलाया। हाँ। मैं आजीवन तक नहीं चलाता रहा। हाँ। जैसा वो चलाया पहले तो ठीक था थोड़ा। हाँ। अब वे ब्रेक ऊपर आ गए। हाँ। तो थोड़े सीट नीचे होगी तो घुटना मुड़ के
और हम किसी को दबावे नीचे को तो दबता नहीं, उस पर हमारा बैठती हमारे फोर्स नहीं होता उस पर। अच्छा ये इसका फोर्स ऐसे हो सामने की तरफ पीछे कमर जा तो इसका बहुत बड़ा लाभ है। ठंडे ब्रेक मारने पड़े तो आदमी ताकत लगा था उसमें ताकत नहीं लगा सकता। तो आपने मेरा ट्रैक्टर क्यों बुलाया दोबारा वर्कशॉप? मैंने इसलिए बुलाया भाई उसमें मजा तो आया नहीं सर आपको भी नहीं। हाँ। तो उसमें ये पुश पैंडल ही लग के मजा आएगा भाई, उसमें पुश पैंडल लग जाएंगे। टेक्निकल का ट्रैक्टर है जो उसमें भी कमी रही फिर फायदा के है। चलो तो कह रहा आपका बड़प्पन है मेरे बड़े भाई, तो आप उसमें लगाइयो। पर मैं यूं कह रहा हूँ जैसा आपने काम कर दिया भाई, ये जो अपना फुटरेस्ट है ये अपना जो ऊंचे पायदान है बढ़िया लग रहे, सुंदर लग रहे, अच्छा काम करा जी जी। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई पुश पैंडल वाली। हाँ जी। तो भाई मैं संतुष्ट जी बोमा जी, मैं इसे चला के देखूंगा। पुश पैंडल या हैंड ब्रेक हमने मरगाड़ पे ले दिया, वो भी अच्छा भाई वो भी दिखा एक मिनट इधर, पहले यहीं से दिखा दे। देखो यहाँ से देखो हैंड ब्रेक हमने जो है अपना, हैंड ब्रेक तो जो नए वाला मॉडल है उसके हिसाब से आपने लगा दिया। बिल्कुल लगा दिया जी, ये यहाँ आ गया सारा कुछ तार यहाँ आ गई, पहले यहाँ था वो हट गया अपना ऐसे, तो मतलब साइड में कर बराबर वहां से ऐसे खींचो टक देसी, जगह बहुत बनी है, जगह बहुत है और स्मूथ हो गया वहां से, हैंड ब्रेक लगाना बहुत आसान है जी जी। तो मैं एक बार अगर कहो तो चला के देख लो ट्रैक्टर को। हाँ जी आप चला के देख सकते हो, क्योंकि भाई आप तो अपनी चीज की तारीफ करोगे। बिल्कुल थोड़ा चला के देखो, थोड़ा अपना मजा आओगे चलाने में। नहीं थोड़ा क्यों, मैं सही चलाऊंगा। नहीं आप अधिक चलाओ ना, तो भाई किसान भाइयों बस का ध्यान रखना, इसमें एक ही पहिया में ब्रेक है ट्रैक्टर के, कोई नहीं कोई नहीं, इसका ब्रेक लगेगा उसका नहीं लगेगा, हम आराम से चलाओगे प्यार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस किसान भाइयों जैसा काम तो इन्होंने कर दिया, हर आदमी कोई भी है अपने काम की सब तारीफ करें, पर भाई मेरा काम है आपको दिखाना सच्चाई। तो भाई मैं देखूंगा दबा के भाई मेरे वाले में जैसा मैं दबाऊं क्या दिक्कत आई, यार ये कितने प्यारे दबेंगे, अभी तो मैं काम करवाऊंगा। तो अब एक बार आप भगवान का नाम लेकर ट्रैक्टर को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। ब्रेकिंग मारने मैंने को दामा का ब्रेकिंग मारने महिंद्रा खड़िया के बिना बंपर का ओ मिक्का पाइप बढ़ा दे मशीन का होगा जाके। किसान भाइयों अगर बात करूं तो भाई वाकई में ही मजा आया पुश पैंडल में, और काम भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई जुगाड़ है, ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी वाला ही काम हुआ हो। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं एक चीज और करना चाह रहा है, एक बार देखता हूँ क्या करना भाई। बंद कर दो, आवाज आ रही नीचे है, नीचे नीचे। मगर दी बन चाबी बंद कर दी भाई। जैसा रविंदर भाई ने पुश पैंडल लगाए भाई मौज कर दी। अब मैंने चला के देखा भाई बहुत बढ़िया हैंडलिंग है, बहुत बढ़िया पैंडल क्लच दब रहा, बहुत बढ़िया ब्रेक लग रहे। तो भाई कोई भी अगर मेरा भाई मैसी वाला अगर ऊंचे पायदान करवावे तो भाई पुश पैंडल जो खोले था वहां एक वो, क्योंकि जो पुराने मॉडल वाले हैं जो दबाने वाले उनमें भाई बड़ी दिक्कत आवे, ब्रेक पे खड़ा होना पड़े, क्लच पे खड़ा होना पड़े, हार्ड दबे बहुत, मतलब पुश पैंडल होना चाहिए। तो भाई जी मेरे ट्रैक्टर को कब दे दोगे पुश पैंडल करके? बाकी काम तो उसमें हो ही रहा है, तीन चार दिन में कर दोगे? कर दियो भाई जी, कर देंगे आज तक। अच्छा अब आपके पास में एक ट्रैक्टर और आ गया, महिंद्रा आ गया 575। हाँ महिंद्रा 575, एक बार इसके पास और चलेंगे। आज पहले तो किसान से बात कर ले जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, पहले आप। तो भाई ट्रैक्टर देखो एक बार, ब्रांड न्यू एकदम ऐसा लग रहा जैसे कंपनी से निकलवा कर सीधा यहीं पहुंच गए हूँ। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। सबसे पहले तो जो किसान भाई हैं उन्हें अपना नाम बताओ। भाई मेरा नाम अमित है और मेरा गांव सांकरोद है। अच्छा जी। तो बस हमारे में भी मन में इच्छा होगी देखने की एक भाई, हम भी ट्रैक्टर के भाई ऊंचे पायदान करेंगे। आजकल क्रेज चल ही रहा है, देखो नई जनरेशन में तो चल ही रहा है, पुरानी तो खैर मन है ना मन है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसा नया ट्रैक्टर है आपका कितने घंटे चला? ये 100 घंटे मुश्किल चला होगा भाई। राम राम भाई, ठीक हो जी? हाँ बढ़िया, एक मिनट। तो भाई जी जैसा यू है आपका ये मन्नो रमा रमा करया बस ये घर ही
सोएक घंटे चला। हाँ, सोएक घंटे चल गया। अच्छा भाई एक बात बताओ, नया ट्रैक्टर है और नए को तो आदमी प्यार तो रखे बड़े चाट के, नए सामान को कहीं कुछ हल्की सी टसक भी लग जाए तो बड़ा दुख होगा क्योंकि वह पैसा लगा रखा। तो इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि यहाँ वर्कशॉप पर छोड़ के जा रहे ट्रैक्टर। ये बात सही है। इसमें एक लॉजिक ये है भाई कि एक तो आप वाले ट्रैक्टर का हमने बिल्कुल रिव्यू देख लिया, डेमो भी देख लिया, अपने आप भी करके देख लिया, तो उससे थोड़ा हा मोटिवेशन सा मिला। और फिर भाई का काम देखा आ गए एक दो ट्रैक्टरों का तो अच्छा लगा। नहीं, मारा सवाल यू है, पायदान बहुत जगह बन रहे, शामली में बन रहे, मेरठ में भी बन रहे, हरियाणा में भी बन रहे, भाई यहाँ लेके आने का क्या है? इतने संतुष्ट हो गए इनके काम से, इतना भरोसा है इन पर? देखो क्वालिटी हर जगह क्वालिटी नहीं मिलती, काम 2 रुपए कम से कम या ज्यादा हो जाएगा लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती। अच्छा। जैसा क्वालिटी ये दे रहे ऐसा क्वालिटी बस शायद। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हैवियर मजबूत काम जो है ना जेन्युइन काम हो रहा है, बस इसी वजह से नया ट्रैक्टर। देखो हर आदमी कोशिश करेगा भाई नया ट्रैक्टर है, ये भी तो कुछ दिन चला उसके बाद में रफ एंड टफ हो जाएगा तो बस देख लेंगे। लेकिन भाई ये तो आप इसमें ऊंचे पायदान करवाओगे तो आपने कुछ आइडिया दिया इन है या इन पे छोड़ दिया? बस इन पे छोड़ दिया। तो क्या कह रहे भी है? हाँ, इन्होंने कह दिया कि काम ऐसा करके देंगे ताकि जो आदमी देखेगा ना गांव में भी यार जो वहां भी जाएगा ट्रैक्टर मतलब आदमी देख के बिल्कुल भी 1% भी कमी नहीं, वहीं चलेंगे वहाँ, ठीक है ना, क्योंकि धूप ज्यादा हो रही। और इसमें ट्रैक्टर में एक तो पायदान होने, आज यू पाइप लगना। अच्छा, एक यू पाइप लगना और छतरी लगनी इसमें। अच्छा भाई जी, जैसा ये अपने किसान आए सांक रोड से, हाँ जी, और नया ट्रैक्टर आपके सुपुर्द करके जा रहे हैं, जी जी, तो आप इन्हें क्या विश्वास दिलाओगे और काम कैसा करोगे? क्योंकि ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं बताया उन्हें, इनके ऊपर छोड़ दिया जो ये करेंगे, तो आप कैसा काम करोगे? और क्योंकि काम तो आप बढ़िया कर रहे हैं, जो काम भाई बताओगे वो हम काम करेंगे। नहीं, ये काम तो बताना पड़ेगा, बता दिया करेंगे, नंबर एक काम करेंगे, ज्यादा ही बढ़िया करेंगे, घने दूर तो ट्रैक्टर है और भाई वो भी है। मतलब ऐसा काम करोगे जो चार आदमी देखे तो उन्हें कहे भाई यहाँ कुछ काम हुआ, काम की तो यही उम्मीद करी जा, बिल्कुल चार आदमी देखे। जैसा आज आया अभी ट्रैक्टर 29 तारीख होगी भाई जी, तो क्या एक दिन में दे दोगे नया ट्रैक्टर? मैं बता था भाई वो तो 15 दिन बताए थे, पर और कुछ कम करेंगे देखें, कोशिश करेंगे भाई। आप यू ट्रैक्टर 10 तारीख कर दे दो, 10 तारीख कोशिश करिए, 10 से पहले पर 10 में तो ट्रैक्टर दे ही दो आप करके, है ना जी। पॉलेंटी तो लगे कोई कोई पॉलेंटी तो लगे फिर पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी आप पे। हां, ये है कि भाई कोई कोई किसान ऐसे हो जिनके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा जल्दी काम भी तरीके से करना पड़े थोड़ा भाई, जो जो बड़े बुड्ढे या जो बड़े हैं मजा नहीं आता भाई, नए लोंडू को तो पता शौक का, पर वे थोड़ी सी काली मन है, बोला कहां खड़ा कर यार ना वो ट्रैक्टर, तो उस हिसाब से हम रविंदर भाई को कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसी बात ना हो जाए भाई जूता उत्ता लगने की, तो भाई पहले ही टाइम तो दे दियो करके, है ना, टाइम टाइम दे, जो घर वाले भाई गुस्सा गुस्सा ना करे, बिल्कुल टाइम। अच्छा, अब जैसा यू तो हो गया तैयार, ये किसान कब ले जाएंगे ट्रैक्टर? यार शाम को ले जाएंगे। अच्छा, और भाई जैसा यू स्वराज खड़ा इस भाई का 3 तारीख में जाएगा, यू जो स्वराज ट्रैक्टर है इसका लगभग प्लेटफॉर्म का काम तैयार? प्लेटफॉर्म हो गया, पाइप का थोड़ा काम बस, यू पाइप का। ऐसा कैसा यू पाइप लगा रहे इसमें? इसमें अपने अपने हाथ लगा रहे हैं, 5 एमएम की तो भी बस या हुई एक भाई, वो ऐसा ऐसा काम करते हो तुम इसमें? हाँ हाँ, 5 एमएम में है, जैसे मार्केट के पाइप आवे 2 एमएम आवे। अच्छा, 2 में 2.5 में 2 में 2.5 में, तो ये बाइक का ट्रैक्टर बड़ा है, तो कह रहे जी मुझे एक तो फोल्डिंग चाहिए जैसे नोलैंड में आवे, ऊपर का अलग हो जाए, नीचे अलग हो जाए, कंपनी वाला जो कंपनी वाला वही सेम चाहिएगा। अच्छा, मगर ठीक है बना के देंगे भाई, तो इसका तो 5 एमएम में बनना, फोल्डिंग बनना, ठीक, इसीलिए तो, टाइम लग गया। अच्छा, तो अभी मतलब 5-4 दिन का काम हो रहा है, इसे 3 तारीख में हम देंगे, दे दोगे, ठीक। और वो जो एक और मेस्सी आ रहा, ये मेस्सी जाएगा बुधवार में, बुधवार में, हाँ। इसमें क्या कमी रहेगी इसमें? एक तो ये भी इस पाइप को कह रहे हम भी वही लगवाओगे। अच्छा, ये हल्का पाइप सब मना कर रहे हैं? ये लगा के 3500 वाला पाइप जो है, हाँ, ये सब मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, जी पाइप वही चाहगा, ट्रैक्टर 4 दिन और खड़े रहो, ठीक। अरे बाकी तो काम हो रहा है इसका भी, हाँ। इसके पायदान बन रहे, इसके बम्पर बन रहे, खाली पाइप पर रुक जाएगी हमारी मशीन आनी बस। तो जो जो नए किसान है जो इस वीडियो को देख रहे, हाँ, उन्हें एक बार इनका रेट एक बार और बता दो पायदानों का। भाई ये तो आपने पहले बता रखा, हाँ, 18,000 रुपए में आपके पायदान है, ठीक है, जिस भाई को ये पुष्प एंगल करवाने। अच्छा,
उसके हम 15,000 रुपए लेंगे, मैं फिटिंग सब कुछ कंप्लीट सब हमारा। अच्छा, और रेस वेस सब लगा के दोगे? सब कुछ है, तो रेस वगैरह सब कुछ लगा देनी पड़ेगी। 15,000 रुपए। कोई हैंड ब्रेक वहाँ लगवाना चाहेगा? हाँ, उसके 3500 रुपए है। 3500? हाँ, हैंड ब्रेक के? जी हाँ। अच्छा, क्योंकि वो लगभग 2500-3000 का तो हैंड ब्रेक आ जा। अच्छा जी, वहाँ प्लेट लगाना, वहाँ लगाना, फिटिंग हम करते हैं, उसके 400-500 हम ले ले। ठीक, मतलब 3500 का। बाकी तो कंपनी दे आ रहा हूँ। ठीक ठीक, 3000-2500 के आसपास आवे। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब 500-600 का खर्चा उसमें। प्लेट नीचे प्लेटें लगे, वो प्लेट हमने बनाई जिस पे ये खचिया। बढ़िया लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे हैवी है। ऊपर दिखाइए भाई उधर से जाके। कंपनी की आ रही, कंपनी की 3 mm, हमारी 6 mm। उधर से जाके दिखा भाई। अच्छा, जो ब्रैकेट है जिस पे ये लगे। अब सुनो, एक और बात है। हाँ, जैसा ये है, ये कंपनी से है भाई। अच्छा जी, ये 3 mm है। हाँ, ये हमने बनाई भाई। यहाँ मोटाई दिखाओ उसकी, यहाँ से मोटाई दिख जाएगी। ये 6 mm है। अच्छा जी, जोन सा भाई से लिया था। हाँ, भाई कैमरा यहाँ लियो। ये वो वाले परले ट्रैक्टर वाले से लाए थे। हाँ, मैंने कहा रविंदर भाई यही लगना चाह। हाँ, हैवी वाला, इसे मैं वापस दे दूंगा। हाँ, मगर जिस तरह के फर्क पड़ रहा, कहले नहीं मेरी पसंद है। हाँ, मैं वही लगवाऊंगा इतना मोटा ही। ठीक, तो हमने खुद बनाया भाई, हमने भी देखा। और किसान ने भी जो महिंद्रा लेके आए 575 नया ट्रैक्टर, उन्होंने भी कहा, बोला हम ट्रैक्टर लाए इस वजह से कि हम मजबूत और क्वालिटी का काम हो। जी बिल्कुल सही, हल्का काम नहीं करते, नहीं करते भाई। और पैसे भी बहुत जायज रखे भाई ने। बस हाँ, पैसे हमारी मजदूरी से निकल जा, मुश्किल से थे। हाँ, भाई आपने तो शुरू में ही कहा था, बोले मैं किसानों की सेवा के लिए आया भाई। बिल्कुल बिल्कुल है ना। और बाकी काम बहुत बढ़िया चल रहा भाई जी आपका। और हम तो कह रहे हैं भाई, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। ट्रैक्टर धड़ा धड़ा आने लग रहे, ऊपर दिखा दे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हो रहे आज वृक्षों में। बाकी भाई ट्रैक्टर मारा भी तैयार कर दिया, उस पैंडल और रह रहे, ये और लगा दियो है। ठीक है भाई जी, ज्यादा बढ़िया वाले लगाऊंगा। हाँ, मड़ा ही बने पे तो। तो किसान भाई उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपसे साझा करी, कुछ और कहना चाहो मैसेज कोई बस किसानों के लिए है कोई? मैं तो कुछ नहीं कहना। अच्छा, अब जैसे ही ट्रैक्टर आने लग रहे भाई, 241 आ गया, वो 245 आ रहा, महिंद्रा 575 आ गया, स्वराज 855 आ गया नया मॉडल, और मेरा मैसी सादा मैसी भी आ गया, तो इनके फरमे आप रख रहे काट काट के पायदानों के? हाँ, तो अगर जो दूर वाले किसान हैं वे मंगवाना चाहोगे तो आप भेज दोगे फरमे के हिसाब से? अभी नहीं भेज सकते। अच्छा, क्योंकि अभी तो हम इनके नहीं बना पा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, भेजेंगे, एक टाइम आओगा। हाँ, जब लेबर बढ़ जाएगी थोड़ी सी। हाँ, फिर मशीन पर कटवा कटवा रख लेंगे। हाँ, और फोल्डिंग में भेज देंगे। ठीक, मतलब अभी टाइम लगेगा। 241 के अभी तैयार करेंगे, 241 के भेजेंगे पहले। 241 की मांग ज्यादा है। अच्छा, वो जो किसान है वहाँ के, कहाँ के बताए थे मैंने? वे लखनऊ था आगे के, सोनभद्र। सोनभद्र, सोनभद्र के है भाई। भाई जी ट्रैक्टर ले रहे 5900। हाँ, और मॉडल भी बहुत पुराना वो। हाँ, पुराना मॉडल है, और इतने शौकीन है। मॉडल है वो, उस टाइम 8 नहीं है भाई जी, 8 तो नीचा है। हाँ, वो मजा लगा है, 88, 90, 98 पहला है। और पुश पैंडल है उसमें। हाँ, किसान की डिमांड है रंग पेंट होगा आपके पास ही कोबरा वाला। हाँ, बात हुई थी, छतरी भी लगेगी, यू पाइप लगेगा, हैवी वाला, ऊंचे पायदान होंगे, मतलब सारा। किसान ने कहा था भैया जी पैसे की कोई समस्या नहीं, ट्रैक्टर होना चाहिए। हाँ, ट्रैक्टर जब इतनी दूर जाएगा यहाँ आवे तो पता लगना चाहिए भाई ट्रैक्टर ये हमारा, हम चलाते हैं इस ट्रैक्टर को, घर का प्यारा ट्रैक्टर है हमारे बड़ू का। हाँ, इसलिए हम इसमें पैसा लगा दिए। एक किसान का और आया फोन, वही कह रहे भाई हम ट्रैक्टर मुजफ्फरनगर करवा ले पेंट जी, बड़ौत करवा ले, मगर जहाँ थारा जी करे वहाँ करवा करवा लिया भाई, ऐसी कोई बात है? और अगर करवाना भाई कंपनी से भी ऊपर ला काम तो लगेंगे 22,000, वो होगा फिर रविंदर के पास। ठीक है, मोस्ट वेलकम है आपका। तो सही बात, हल्का काम ना भाई करे, ना करना आपका। हल्के में शिकायत आवे फिर। हाँ भाई, मजबूत काम की ही गारंटी है। हाँ, हल्का काम आप जहाँ जी करे वहाँ करवाओ, दुनिया कर रही सभी करवा भी रहे, सभी कर रहे है ना। कोई कम पैसा लगा भाई, अगर हैवी काम करवाना तो मेरे पास यहाँ रविंदर भाई के पास आओ और करवाओ। बाकी भाई पेंट में है प्रॉब्लम, हल्के पेंट में प्रॉब्लम आवेगी आपको, चाहे कोई लेता हो गारंटी 8 साल की 10 साल की, भाई कोई गारंटी नहीं है। हल्के में तो आती है भाई। हाँ, कोई गारंटी नहीं है भाई, बिल्कुल आओगी। और इनका जो जीटर तैयार हो जाएगा ना, जब दिखाऊंगे आपको काम क्या होता है। बस जीटर में भी आधी होगी मारेगी। हाँ,
वो हमारा भाई भी इतनी भी घना प्यारा आदमी है। अच्छा, रविंद्र भाई टेंशन ना ले और जो उन्होंने कॉमेंट करे उसे कर लें मजा, छह महीने में चले जाओ, मजे टेंशन नहीं, मेरे काम में मजा आ रहा, मुझे मजा तो आ रहा। अभी पिन्नू कह रहा मजा मैं कह रहा है अब तो दे दो भाई का, क्योंकि किसानों को मुझे दिखाना कि काम ये है, बात भाई की नहीं है, बात किसानों की है, उन्हें काम मेरा सा काम हो रहा, मैं इसमें लगन नहीं पाता तो नहीं हो रहा ले। मैं धरे बाद ब्रेक मार दू, मैं धरे बाद ट्रैक्टर नहीं बुलाने का मुझे। अच्छा, और इस बीच में तीन चार दिन में ट्रैक्टर में तैयार करना, क्योंकि ये तैयार इधर चले जाएगा, ये भी तैयार से हो रहा है, वो तैयार से हो रहा है, तो मुझे भी अब जीट कल तक जीटर में लगना, इसका काम जो है कंप्लीट सारा करूंगा, करना मुझे अपने हाथ में, मुझे करवाना किसी पे है नहीं। एक बार किसान भाइयों को अपना मोबाइल नंबर बताओ, 7456 87 40। यू नंबर में वीडियो में भी लगा दूंगा। किसान भाइयों, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी और कोई भी काम करवाना तो टेंशन फ्री होकर हैवी मजबूत ओरिजिनल क्वालिटी का काम करवाना तो रविंद्र भाई को याद कर लियो। और किसान भाइयों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।